जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ और आज मैं भगवान गणेश जी के महापर्व यानी गणेश चतुर्थी के दौरान जो चलने वाला 12 दिन का हमारा 10 दिन का जो विशेष पूजा पंडाल चलते हैं उसके लिए मैं आप लोग के लिए विशेष पूजा लेके आई हूँ। यदि आपको लगता है आपका काम किसी ने बांध दिया है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यार दोस्त नहीं मान रहे, सहेली नहीं मान रही, सहेला नहीं मान रहे, प्रेमी नहीं मान रही, प्रेमिका नहीं मान रही, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर है, वहाँ दिक्कत है, ऑफिस में दिक्कत है, जॉब में दिक्कत है, ये परेशानी वो परेशानी, किसी ने कर दिया है ये दिक्कत है, नौकरी से छूटी जा रही है ये दिक्कत, पता नहीं कितनी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, जो भी दिक्कत है आपकी लाइफ में उसको सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, तो आपके लिए ये आज का उपाय है, करके देखिएगा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले आपको बोलूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। और अगर आप कोई भी सवाल है, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ना लिखें, आप मुझे सीधे मैसेज करें 8126476399 पे। और वेट कीजिएगा, जल्दी मत बचाइएगा, जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं उसका जवाब दूँगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं उपाय पर। क्या करना है आपको, आप करना यह है कि 5 काली मिर्च लेनी है। वो काली मिर्च नहीं जो खाते हैं, काली मिर्च वो जो दाने दाने वाली होती है ना, वो वाली। अब यहाँ लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि मैडम कौन सी काली मिर्च। तो काली मिर्च लेनी है आपको दाने वाली जो मसालों में आती है। तो काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं और उन 5 दानों को लेके आपको रात को ठीक 12 बजे जाना है। किसी भी सुनसान चौराहे पर चले जाइए, 12 बजे तो सुनसान ही होता है वैसे, लेकिन ऐसे चौराहे पे जाना जहाँ पे लोग ना हो। तो सुनसान चौराहे पे 12 बजे जाइए और ओम श्री गणेश लक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेश महालक्ष्मी 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 नमः, इसका जाप करते 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 आप अपने घर से जाइए। घर में बोल के जाना कि पीछे से कोई टोके ना, पता चले जी आप निकल रहे हैं और तुम्हारी मम्मी ने, बहन ने, भाई ने किसी ने टोक दिया, अरे कहाँ जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। चुपचाप निकलना है, बिना किसी की रोक टोक के निकलना है। जब आप चलेंगे तो किसी से बात नहीं करनी है। ओम श्री गणेश लक्ष्मी नमः का जाप करते हुए आप जाएंगे, चौराहे के बीच में खड़े होंगे, एक दाना ओम श्री लक्ष्मी, ओम श्री गणेश महालक्ष्मी नमः इसको बोलते हुए एक दाना सर के पीछे डालना है, एक दाना दाएं डालना है, एक दाना बाएं डालना है, एक दाना आगे डालना है, चारों दिशाओं में एक एक दाना पड़ गया, और 5वां दाना ऊपर उछाल देना है बस। उसके बाद फिर घर चले आओ यही बोलते हुए, ओम श्री गणेश महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेश महालक्ष्मी नमः, ओम श्री गणेश महालक्ष्मी नमः। मन ही मन में जितना जाप कर लो, 108 बार तक जाप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वापस आ जाओ, पलट के मत देखना। घर में आके हाथ पैर धो के सो जाना, चाहे तो बिस्तर पे भी 108 बार बोल सकते हो ओम श्री गणेश महालक्ष्मी नमः। इस उपाय को कर लो। इस उपाय को करने से क्या होगा, आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार की हो, और जो भी मैंने आपको अभी पहले बताया था, उससे विघ्न हर्ता आपकी रक्षा करेंगे और आपका काम बन जाएगा। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई समस्या है तो व्हाट्सअप कीजिए। थैंक यू।